तो आपने मतलब ऐसे स्टीफन हॉकिंग सर को वहां पे कभी लेक्चर सुना है हाँ, उनका? एब्सोल्युट एब्सोल्युटली, क्योंकि वो जो इस कॉलेज में, मेरे जो हस्बैंड है वो एक ही डिपार्टमेंट में थे स्टीफन हॉकिंग के, मतलब उनका ऑफिस और इनका ऑफिस बगल में था। कि ये जो फाइबर है, ये जो लेंस है, मिरर है, ये लोग अगर हम वो उसी क्वालिटी का अगर हम बनाएंगे तो फिर रिसर्च में भी बहुत फायदा है कि 7-10 दिन में हमको मिल जाएगी, हमको दो हाँ तीन महीने वेट करना होता है। तो फिर ये एक प्रॉब्लम है कि प्रिसिशन की कोई चीज हो तो फिर हम उसको अभी तक ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे एनी रैंडम इंडियन कंपनी को। तो फिर इधर बहुत स्कोप है टू इंडिजिनाइज वेरियस कंपोनेंट्स, ताकि हम लोग सेल्फ सस्टेन्ड हो सके, वरना तो हम लोग हमेशा इंपोर्ट अगर करते रहेंगे तो सेल्फ सस्टेन कभी नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं मेरा ये है कि एक इंटरव्यू के बारे में आपकी बात हो रही थी, आपके एक इंटरव्यू के बारे में, कि जो एक चैनल के माध्यम से था, एक रिपोर्टर ने आपसे सवाल पूछा था। तो डायरेक्ट ही क्वांटम टेलीपोर्टेशन, जो लास्ट पार्ट में हम लोग आखिरी सवाल जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन पे डायरेक्ट उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जैसे लाइक जुड़वा मूवी की बात जो है वो वहां पर रेलिवेंस कर सकती थी, बट डायरेक्टली उन्होंने बोला कि टेलीपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे एक ही चीज को, एक ही पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह क्या पहुंचाया जा सकता है। तो वो डायरेक्टली उन्होंने आपसे पूछा। तो थ्री इडियट का एक एग्जाम्पल आपने देकर वहां पर चीज समझाई थी। तो जब ऐसी कुछ बात आती है, जब इंटरव्यू में चीजें पूछी जाती हैं और डायरेक्टली कोट कर दी जाती हैं, चीजें कोट कर दी जाती है मतलब कि डायरेक्टली कि कॉन्टेक्स्ट समझे बिना सवाल कर लिया जाता है, तब एक जो है उस समय, एक तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था, किस तरह के जो आपके शब्द निकले, आपके जुबान से निकले, वो तो हम लोगों ने सुने, बट उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब उन्होंने वो सवाल पूछा। और दूसरी बात, जब इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उनकी भी थोड़ी लिमिटेशन होती है, रिपोर्टर्स की भी लिमिटेशन होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। भाई हर किसी के लिए साइंस उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो होती तो है, इम्पोर्टेंट होती है, बट उसको समझना उतना ज्यादा आसान नहीं होता। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो आपका क्या रिएक्शन रहता है, क्या कुछ दिमाग में रहता है? जब ऐसे सवाल होते हैं कि मतलब कुछ इनएक्यूरेट हो उसमें, तो पहला रिएक्शन तो ये होता है कि अभी इसको कैसे आंसर करें, क्योंकि मतलब ये तो बोल नहीं सकते कि इसको चेंज करते हैं, कि ये क्वेश्चन चेंज करने से ये एक्यूरेट होगा, क्योंकि जो आप अच्छी तरह समझते हैं कि इनका जो मतलब जो मोटिवेशन होता है दैट इज कि कॉमन मैन तक साइंस पहुंचे। तो फिर उसको पहुंचाने के लिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लिबर्टीज रिपोर्टर्स भी ले सकते हैं, कुछ लिबर्टीज हम भी लेते हैं कि कुछ चीजों को ज्यादा सिंप्लीफाई करके उसको समझाना, ताकि कुछ कुछ समझ में आए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में लोग हैं जो साइंस एकदम ही नहीं पढ़ रहे हैं, पर उनको भी जानने की इच्छा रहती है कि क्या हो रहा है। और ये जो फील्ड है ये इतना ही इंटरेस्टिंग है कि काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। तो फिर पहला रिएक्शन होता है कि इसको कैसे इसको रिस्पॉन्स दे कि मेरा रिस्पॉन्स जो है वो एक्यूरेट रहे, क्वेश्चन जैसा भी हो, क्योंकि क्वेश्चन को चेंज करना ठीक नहीं है अगर लाइव हो। और दूसरी बात आपने बहुत सही कही कि सभी तो मतलब उस फील्ड से नहीं होंगे, तो फिर वो उसको एक एक टेंडेंसी होगी कि उसको और ज्यादा रोमांचक बनाए जो भी टॉपिक है, ताकि और भी लोग उससे मतलब उसको सुने, उससे थोड़ा कुछ उसमें टेक होम कर सके। तो फिर ये मोटिवेशन जो है इसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो फिर वो मतलब वो न्यूज़पेपर होगा तो रीडरशिप नहीं होगी, और अगर चैनल होगी तो फिर लोग देखेंगे नहीं। ये एक्चुअली सही बात है कि मतलब अगर कुछ और फील्ड हो, इकोनॉमिक्स हो, और लोग एकदम थियोरम पे चले जाए तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर थोड़ा तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम पॉपुलर लेवल में बातचीत कर सकें, जी इसीलिए रिएक्शन नेगेटिव मेरा कभी होता नहीं है, पर रिएक्शन जी यही होता है कि कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें कि साइंटिफिकली मैं इनएक्यूरेट नहीं हो जाऊं क्योंकि मैं आफ्टर ऑल इसको जानती हूँ सब्जेक्ट को, तो फिर ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती कि गलत हो जाए।
सिंप्लीफाई एक चीज है पर गलत दूसरी चीज है, तो सिंप्लीफिकेशन तक ही मुझे सही लगता है वैसे। जी जी पर ओवर सिंप्लीफिकेशन जो है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ओवर सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो, अगर हम ओवर सिंप्लीफाई करें तो वो गलत हो जाती है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसमें। मतलब जी सही तक रहें और जितना सिंपल कर सकें ताकि डाइवर्स फील्ड्स के लोगों को समझ में आए। जी मैं जी अपनी जी मम्मी का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो फिर अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो तो फिर मैं उनसे भी इसको, मैं उनसे काफी सारा उनको ये समझाती हूँ, ये कर रही हूँ वो कर, तो फिर उनका रिएक्शन देखने से भी मुझे समझ में आता है कि ये सही जा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ऑफ समबडी फ्रॉम अ वेरी गुड आर्ट्स बैकग्राउंड एंड नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो फिर मेरा उसके मतलब घर में ही आई हैव अ यू नो अ गिनी पिग इन दैट सेंस, वेरी लकी। होपफुली वो ये जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो स्किप कर दे ताकि नो एक्चुअली अगर आप अपने पेरेंट्स को समझा पाए तो फिर, अगर वो साइंस से नहीं हो तो फिर ये वो लास्ट ईयर लास्ट 2 सालों में हम लोग समझ चुके हैं कि साइंस से अगर आप हैं तो चीजें समझकर आपको घर वालों को समझानी ही पड़ेंगी, क्योंकि चीजें जो है वो उतनी सिंपल नहीं होती, और उतना जितना मतलब न्यूज चैनल्स में जिस तरीके से दिखाया जाता है उससे बेहतर अपने घर वालों को समझा सकते हैं। जी आई थिंक इट्स वेरी गुड आइडिया, क्योंकि वो लोग तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो जस्ट डायरेक्टली बोलेंगे ये तो समझ में ही नहीं आया, तो फिर अच्छा है, फिर आपका वो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। ये होता है, ये मेरे साथ होता है कि जब भी जैसे कोई भी नई चीज आती है तो मुझे कॉल आता है, मेरी सिस्टर्स का कॉल आता है या मेरे मम्मी पापा कई बार पूछते हैं कि समझाओ ये क्या है, कि क्या चल रहा है भाई, कि इससे क्या होगा, तो वही है कि जो फेक न्यूज आती है उनमें कई बार जो है वो हमें करेक्ट करना पड़ता है कि ये सारी चीजें जो है वो गलत है भाई। एक बार याद होगा आपको जब 2012 में हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई थी, तब ब्लैक होल्स की काफी ज्यादा बात चली थी कि उसमें ब्लैक होल्स बन रहे हैं, उस बारे में कभी बात करेंगे और कभी उस बारे में भी चर्चा करेंगे कि उसमें किस एक्सपर्टीज मेरे हस्बैंड की है ऐसे तो, उन्हें मेरे हस्बैंड है वो रोजेंडर टॉक्स पर जरूर बुलाएंगे। हाँ पर उनको हिंदी प्रैक्टिस करना होगा, कोई मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ तब तो ठीक है, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई एम श्योर यू कैन, बट आपका चैनल जो है हिंदी। अरे मैम कैसी बात कर दिया आपने, सब तरह की ऑडियंस है हमारे पास। अरे मेरा लास्ट इंटरव्यू जिनके साथ था वो अमेरिकन थे, तो उनको हिंदी आती ही नहीं थी, हवा अलग बात है कि उनको मेरी इंग्लिश समझ आई कि नहीं आई, वो एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी काफी इंटरेस्टिंग होगी ना आपकी कॉन्वर्सेशन, आप कुछ पूछ रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं, नहीं आपकी इंग्लिश उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, मुझे जो अभी अभी जो सैंपल हुआ है उससे, पर मुझे ये अंदाजा था कि आपका शायद हिंदी का आप प्रमोट करते हैं जी, तो फिर जी एक्चुअल में मुझे किसी ने बोला था और मैं तो मानता ही हूँ, बट मुझे कई बार क्योंकि मैं आप लोगों से बात करता हूँ और जी द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि साइंटिस्ट से जब बात करता हूँ तो लोग हमेशा मुझे यही कहते हैं कि शिवा जब भी आप कम्युनिकेशन करो, साइंस कम्युनिकेशन, बेहतर है कि अंग्रेजी में ना करके हिंदी में करो, टेक्निकल टर्म्स जो है वो इंग्लिश में बताओ बट कम्युनिकेशन जो है वो आप हिंदी में रखो, क्योंकि आपका हिंदी पे पकड़ आपकी मजबूत है, और जो भी आपको लोग मिलते हैं जो अपनी मातृभाषा में मतलब जैसे आप शायद बंगाल से हैं जी, तो जो बंगाल से हैं तो बंगाल से हैं उन्हें बांग्ला में बात अगर वो लोग समझाएं तो बांग्ला समझने वाले लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, तमिल वाले लोग अगर तमिल में समझाएंगे तो वहां के लोगों को ज्यादा, तो साइंस कम्युनिकेशन इसी तरह से होना चाहिए, ये चीज मुझे बोली गई थी, तो इसीलिए कुछ चीजें हैं जो हम लोग, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, तो फिर जो रीच है वो ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा लोग उसको थोड़ा कुछ तो समझ पाएंगे, मतलब जितना भी हम कोशिश कर लें कुछ अगर समझ पाए तो वही काफी है। अच्छा इसके बाद ही एक सवाल ये आता है कि एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है जो ऑडियंस के बीच, ऑडियंस नहीं कहूंगा मैं इसमें, जो टैक्स पेयर्स हैं बेसिकली, जो टैक्स पेयर्स हैं और
जो साइंटिस्ट हैं जो लैब में काम कर रहे हैं, और लैब में काम कर रहे हैं तो काम में इतने मशरूफ होते हैं, वो पेपर्स तो लिख देते हैं बट पेपर की जो टेक्निकलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए वो पेपर लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा, वो बात जो है वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बेसिकली बात यह है कि जो एक साइंटिस्ट की लैंग्वेज है और जो एक आम आदमी की लैंग्वेज है वो काफी अलग होती है, और जो साइंटिस्ट का काम है वो कहाँ रिजेंबल हो रहा है, किस कहाँ उसका एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इस रिसर्च के रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं। कई बार ऐसे सवाल जो है वो उठाए जाते हैं, कई लोग जो है ये सवाल पूछते हैं, तो इस कम्युनिकेशन गैप को जो फिल करने का काम है, क्या अभी उसके बारे में कुछ चीजें हो रही हैं, क्या अभी आप देख पा रहे हो कि मतलब सरकार की तरफ से हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो, क्या ऐसी चीजें हो पा रही हैं कि रिसर्च को सिंप्लीफाई करके जो है वो लोगों को समझाया जा रहा हो कि हम इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और इससे ये चीज होगी। एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा अभी इसमें इम्पोर्टेंस दे रही है गवर्नमेंट जो है. तो फिर हमारी जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके हमारा जो आरआरआई है वो उसी के अंडर में वो इंस्टीट्यूट है. तो जी फिर वहाँ पे बहुत सारे साइंस पॉपुलराइजेशन, अभी वो एक सेल ही है उसमें, उसमें एक विज्ञान प्रसार करके एक विज्ञान सेल है, प्रसार। आपको मालूम होगा. तो जी उसमें हम लोग अगर कुछ मतलब जो भी हम लोग करते हैं, अगर हम समझते हैं कि ये जो रिसर्च है ये दूसरे लोग मतलब साइंटिस्ट कम्युनिटी के अलावा दूसरे भी इससे कुछ मतलब ले सके, कुछ इसमें उसको जान सके, तो वो विज्ञान प्रसार के माध्यम से हम इसका मतलब कम्युनिकेशन करते हैं. तो फिर उसमें जो है कि हम उनके उनका हेल्प लेके वो पॉपुलर लेवल पे वो साइंस को समझाते हैं. फिर उससे वो लोग एक सिनॉप्सिस बना के वो प्रेस रिलीज करते हैं. फिर न्यूज़पेपर जो है उनको पिकअप करते हैं अगर वो उसको उनको सही लगे. फिर इंडिया साइंस है, इंडिया इंडिया साइंस जो है आपको मालूम है, इंडिया वो साइंस ये तो पूरा हमारे ओटीटी साइंस चैनल प्लेट, है. हाँ वो हाँ ओटीटी एग्जैक्ट, बना रखा है एब्सोल्युटली उन्होंने पूरा, वो पूरा वो भी उन्हीं का साइंस ही है, चैनल बना हुआ. जी उन्हीं का तो ही है, वो उन्हीं का ही कोलाबोरेशन है है। उनका विज्ञान प्रसार का. मतलब वो हमारा जो काम था वो फ्री स्पेस वाला, वो दोनों ने उसको टॉप 10 में रखा था लास्ट ईयर. मतलब टॉप 10 इन्वेंशन जो है इंडिया की उसमें रखी थी इंडिया साइंस और विज्ञान प्रसार दोनों ने. तो फिर हम लोग काफी खुश हुए थे उससे. तो फिर ये सब पहले नहीं था. ये जो जो ओटीटी का है या फिर विज्ञान प्रसार एक सेल हो गया. फिर हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक मतलब ऑफिसर हैं जो कि कम्युनिकेशन साइंस कम्युनिकेशन देख रहे हैं. तो फिर वो भी हेल्प करते हैं कि हाँ, इसको ये चीज मैंने काफी नोटिस करी है कि अब जब मैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में रिसर्च करता हूँ तो पर्टिकुलरली जब मुझे लोग दिखाई देते हैं, साइंस आउटरीच उनके नाम के आगे लिखा रहता है, साइंस आउटरीच एंड साइंस कम्युनिकेशन, एक पर्टिकुलर नाम दिखाई देता है अब। जी, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे ये चेंज हुआ है. ये पहले एकदम नहीं था, पर अभी जो है वो गवर्नमेंट भी इसको एनकरेज कर रही है और जो साइंस डिपार्टमेंट्स है सभी इसमें बहुत सारा एफर्ट दे रहे हैं कि साइंस जो है वो कॉमन मैन तक पहुंचे. क्योंकि इसमें जो भी बजट है, देखिए हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं फिर हमारी सैलरी जो भी है ये टैक्स पेयर्स की मनी से ही आती है. जी तो फिर जी हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ तो उनको वापस दे. मतलब जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो रिसर्च करते हैं वो तो है ही, पर उसके अलावा भी उनको समझ में आए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है. तो फिर इसमें साइंटिस्ट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. ये नहीं कि हमने पेपर लिख दिया फिर आप लोग इसको करो कम्युनिकेशन. तो मैं तो खुद उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ कि इसको कैसे सिंपल करके इसको समझाया जाए, फिर वो लोग उसको मॉडिफाई करते हैं जो भी है. पर इसमें मुझे लगता है कि मुझे भी खुद खुद मुझे भी समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये शायद किसी और को भी इम्पोर्टेंट लगे. जी जी, तो काफी साइंस कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत जो है वो हमारी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं एक चीज की तरफ जिसके बारे में मैं जिक्र भी कर रहा था कि 10-12 साल आपने जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में बिताए हैं और काफी रिसर्च और अपनी एमएससी की जो पढ़ाई है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करी है, एंड देन उसके बाद पीएचडी करी, फिर पोस्ट डॉक करी, और अब आप आके आरआरआई में काम कर रहे हो एज अ साइंटिस्ट। तो क्या कुछ फर्क जो है
आपने नोटिस किया कि रिसर्च अगर आप यहाँ इंडिया में करते हैं या रिसर्च अगर आप बाहर करते हैं तो क्या कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, और किस तरह की जो है रिसर्च एनवायरनमेंट जो है वो आपको मिलते हैं, और एनवायरनमेंट में क्या फर्क होता है, और किस तरह से लैब्स वगैरह का फर्क होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो फिर रिसर्च एनवायरनमेंट जो है ये मतलब मैं जब बाहर गई थी तो वो तो काफी डिकेड्स पहले है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी तो फिर आपको एज पता चल जाएगा, पर जो भी है वो बहुत पहले था। रिसर्च रिसर्च आप साइंटिस्ट हो तो यू कैन नॉट टेक दैट मोनोपोली कि मेरी एज किसी को ना पता लगे। वो अगर आप थोड़ा भी आप बहुत भी साइंस ही पढ़ रहे हैं तो वो पता चलना बहुत इजी है, पर वो डिक्लेयर इजी। करना, वो डिक्लेयर भी नहीं करनी चाहिए मुझे खुद से। पर ये तो खैर इजी है इसको समझना कि ये बहुत साल पहले मैं बाहर गई थी, मतलब वो 21 ईयर्स अभी हो गया है उसका। तो फिर तब जब गए थे तब जो जो हमारा रिसर्च एनवायरमेंट इंडिया में था और अभी जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि तब गिने चुने एक या दो लैब या मतलब बहुत हैंडफुल लैब्स ऐसे थे। मैं लैब की बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट की बात है वो लैब में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप थियोरिटिकल काम करोगे तो फिर आप वहां बैठ के करो या यहाँ बैठ के करो, फर्क कम पड़ेगा क्योंकि आप मतलब कंप्यूटर यूज करोगे, रिसोर्सेज यूज करोगे। अगर आप दूसरों के साथ काम करेंगे तब तो खैर वो आपका एनवायरमेंट आ जाता है, पर फिर भी आप काफी कुछ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन, क्योंकि इसीलिए कोविड में जो है ना वो जो लॉकडाउन वगैरह हो रही थी तो थियरिस्ट लोग उतने प्रॉब्लम में नहीं थे, पर एक्सपेरिमेंट्स जो करते हैं वो लैब में होता है, तो लैब अगर बंद हो तो फिर आपको पता मतलब उसमें तो हो नहीं सकता, तो वहीं पे ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। तो मैं एक्सपेरिमेंटल साइंस के बारे में बोल रही हूँ, तो बहुत कम ऐसे लैब थे जो इंटरनेशनल लेवल के थे, और ये इसलिए नहीं थे कि लोग इंटेलिजेंट नहीं थे, वो रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं थी। मतलब 20-30 साल पहले जो जो रिसोर्स लगती है एक मतलब एक्सपेरिमेंटल लैब चलाने के लिए, उसमें वर्ल्ड क्लास एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वो उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, पर अभी लास्ट डेकेड मतलब डेकेड एंड हाफ में काफी सारा साइंस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो भी है मतलब साइंस फंडिंग हो रही है। तो फिर काफी सारे ऐसे लैब्स हैं जो फिर मतलब इक्विप्ड है, मतलब इक्विपमेंट जो है उनमें एक हम लोग एक ही इक्विपमेंट यूज करते हैं, अगर जर्मनी में बैठे हैं यहाँ बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही लेजर है, वो एक ही लेंस है, सभी एक ही चीज हम लोग यूज करते हैं, मतलब कुछ ऐसे कंपनीज है जो हमको पसंद है ये सब है। तो फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सिमिलर है अभी कंपेयर टू जब हम लोग बाहर गए थे, वो काफी पहले था तो वो नहीं था, तो फिर वो एक्सपोजर वो जो है जरूरी थी। पर अभी जो है वो बहुत डिफरेंट फील्ड में, सिर्फ क्वांटम की बात नहीं कर रही हूँ, क्वांटम में तो खैर हमारा जो लैब है वो वन ऑफ द फर्स्ट लैब्स है ये फोटोनिक क्वांटम में, पर दिस दूसरे भी फील्ड्स हैं साइंस में उसमें जो लैब्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। तो फिर ये डिफरेंस डेफिनेटली है अभी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मतलब जो इक्विपमेंट वाइज है वो प्रिटी सिमिलर है। इक्विपमेंट जो हमारा होगा वो कनाडा में भी होगा, वो यूके में भी ऐसे ही इक्विपमेंट होगा, पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और उसको बढ़ाएं उसका मतलब डेफिनेशन, तो उसमें ये भी आता है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गई तो हम लोगों को यूपीएस लगाना पड़ता है कि अनलिमिटेड पावर सप्लाई का, क्योंकि पावर कट होते रहते हैं आपको मालूम है इंडिया में तो होता है, पर ये पावर कट का जो फिनोमिना है ये काफी एलियन है बाहर के लोगों के लिए, ये बहुत कम उनका होता है। तो फिर हमको कुछ काफी सारे चेंजेस करनी पड़ती है ताकि आप अडेप्ट कर सके, पर ये हो जाते हैं। पर मुझे जो लगता है कि दो चीजें हैं, मतलब मैं क्वांटम रिसर्च के बारे में अभी स्पेसिफिकली अगर थोड़ा बोलूं कि इसमें क्या मतलब डिफरेंस है क्या सिमिलर है, सिमिलर तो ये है कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स मतलब रिसर्च डायरेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं, बाहर के लोग भी वही मतलब उसी अम्ब्रेला में रिसर्च डायरेक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं, हम लोग नए तरीके से कर रहे हैं वो लोग किसी और तरीके से कर रहे हैं। तो फिर हमारा जो रिसर्च का जो थॉट प्रोसेस है वो सिमिलर है, पर अगर हम सोचेंगे रिसर्च करेगा कौन, मतलब मैं तो हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ ठीक है, पर स्टूडेंट्स भी होनी चाहिए जैसे कि आप हैं,
मतलब आप स्टूडेंट हैं, तो फिर स्टूडेंट्स जो है अभी भी वो बाहर जाके रिसर्च करना पसंद करती है, एज अपोज टू इंडिया में रह के इंडियन लैब्स में रिसर्च करना। ये जो प्रॉब्लम है ये अभी, ये एक्चुअली अगर 20-30 साल ये पहले हो तो फिर ये जस्टिफाइड है, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो मतलब बाहर जाना इम्पोर्टेंट है। पर अगर अभी आप अगर सोचें, अगर आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपने बोला कि मैंने वहां अपना स्टडीज किया है, तो फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, तो कैम्ब्रिज में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको जरूर जानी चाहिए, क्योंकि नेचुरली वहां से आपको एक्सपोजर कुछ अलग ही मिलेगा। हार्वर्ड में हो सकता है, पर ये गिने चुने कुछ ऐसी जगह है जो डेफिनेटली टॉप प्लेसेस में गिनी जाएगी, तो उसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो नेचुरली जानी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। पर ये सेकेंड टीयर थर्ड टीयर के जो प्लेसेस हैं बाहर में, ये नहीं है कि ये लैब अगर पोलैंड में हो गया या इटली में हो गया ये हमसे बेहतर है, ये नहीं है। तो फिर ये स्टूडेंट्स को अभी भी लगता है कि अगर नॉन इंडियन कहीं पे भी चले जाए वो बेटर होगा इंडिया से, ये फीलिंग अगर हम चेंज नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम लोग हमेशा वो मैन पावर डेवलपमेंट हमारा हमेशा कमी होगा, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ सस्टेन्ड अगर हम होना चाहे रिसर्च में। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट्स कि अभी सैलरीज भी बढ़ रहे हैं, ये एक चीज स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग हमेशा कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम किसी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो यूरोज में आपको आपकी स्टाइपेंड मिलेगी, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो इंडियन रूपी में जो भी होगा वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा है, क्योंकि उसका कन्वर्शन ज्यादा है। पर अगर आप वहां रहेंगे उसमें रहने में जो आपको मतलब एक्सपेंस होगी वो भी ज्यादा है, तो फिर अगर आप सेविंग की तरफ से देखें तो उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई बहुत स्पेशल स्कॉलरशिप मिली है तो अलग बात है, जरूर जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिर भी 20 रुपीज में लंच खा रहे हैं आरआरआई में, ये सोच ही नहीं सकते हम बाहर। तो फिर मैं जो बोल रही हूँ कि हमारा जो मतलब ये कन्वर्शन स्टूडेंट्स को सोच के करना चाहिए कि ये एकदम डायरेक्ट नहीं है। अगर यही अट्रैक्शन हो, और रिसर्च क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट बेटर जस्ट बिकॉज इट इज आउटसाइड इंडिया, देर आर मेनी लैब्स विच आर एक्सलेंट एंड यू नो मेनी मेनी यूनिवर्सिटीज, बट देन देर इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी रिसर्च हो रही है जो कि इंटरनेशनल लेवल की है। अगर ये हम लोग समझें और रहें तो फिर सेल्फ फीडिंग हो सकते हैं, वरना क्या है कि हम सिर्फ ट्रेन करके लोगों को बाहर भेज रहे हैं कि वो दूसरे कंट्री के रिसर्च में कंट्रीब्यूट करें, तो हमारा सैटेलाइट कैसे फ्लाई होगा बट मतलब। एक चीज यहाँ पर मैम, ये चीज भी आती है ना कि जी भरोसा एक जो है स्टूडेंट्स में वो बहुत बहुत कम है, क्योंकि एक्चुअल में एक तो आउटरीच का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आउटरीच में कि इंडिया क्या कर रहा है रिसर्च के मामले। अब बेहतर हो रहा है भले ही, बेहतर हो रहा है। बट उससे पहले उतना आउटरीच नहीं था। मतलब लैब्स जी में क्या रिसर्च हो रही है, किस तरह का काम कंट्रीब्यूशन इंडिया का अभी चल रहा है, वो सब नहीं पता लगता। एंड देन दूसरी जी बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, ऐसा कई लोगों का मानना हाँ, है, मानना भी यही है तो और है। ये सच्चाई भी है कि इंडिया में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। और मतलब जितने पीएचडीज और पोस्ट डॉक्स जो हम जी जनरेट करते हैं हर साल, चाहे वो जी इंडिया में हो चाहे इंडियन ओरिजिन के बाहर से आए लोग हों, उनको जी अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। एक बार मैं डॉक्टर घटक से बात कर रहा था, डॉक्टर अजॉय घटक जी आईआईटी दिल्ली से। सो उन्होंने मुझे बोला था कि शिवा एक बात मैं तुम्हें अभी बोलता हूँ कि उस समय जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं अमेरिका में पढ़ने गया था, तो वहां पर यूनिवर्सिटी में मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था और बहुत सही कमा रहा था, सब चीजें कर रहा था। तो होम सिक था मैं थोड़ा, तो मैं आ गया तो वहां पर जो है डायरेक्टर ने भी मुझे बोला था कि तुम क्यों जा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं। बट वो उन्होंने मुझे एक चीज कही कि उस समय मेरे दिमाग में ये था कि नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी, उस समय नौकरी का मुझे इतना टेंशन नहीं थी, मैं होम सिक था भले ही बट भारत में मुझे नौकरी मिल जाएगी। बट आज के टाइम पे जो युवा बाहर जाते हैं उन्हें यहाँ आने पर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
वो उन्हें कंफर्मेशन नहीं रहता, इसी इस वजह से भी लोग बाहर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और बजाय कि भारत में रहने के। तो ये एक, देखिए, ये हाँ नौकरी का जो है ये फील्ड डिपेंडेंट है। प्रोफेसर घटक जो है वो रिलेटेड फील्ड में है, पर वो ज्यादा ऑप्टिक्स में, मतलब उनकी एक्सपर्टीज जो है वो जी काफी मतलब क्लासिकल डोमेन में भी वो करते हैं, वो अलग बात है, पर फील्ड डिपेंडेंट है। अगर आप सोचेंगे कि ये जो क्वांटम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये अभी इतनी इम्पोर्टेंट फील्ड बन गई है इंडिया के लिए कि इसमें नेशनल मिशन भी डिक्लेयर कर दिया है, कि काफी 1,000 करोड़, 8,000 करोड़ की बात चल गई है लास्ट ईयर से कि ये इन्वेस्ट होगा। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी इंडिया में है, क्योंकि इनका हमारा मिशन नया है और काफी सारा एक्सपेंशन है, इकोसिस्टम बनाना है, ग्रोथ करना है। तो फिर ये इस फील्ड में इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर हम थियोरेटिकल फिजिक्स के बारे में सोचे तो हाँ, अगर 8 लोग पीएचडी कर रहे हैं तो उनमें से शायद दोनों को ही परमानेंट जॉब मिलेगी, पर ये इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा उसमें कम पोजिशंस है और कॉम्पिटिशन है। इसमें काफी सारा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप रिसर्च करना चाहो, आप फैकल्टी जैसे कि हम लोग कर रहे हैं वो हो सकता है। इंडस्ट्री भी अभी इसमें काफी सारा ओपन हो रहा है कि इंडस्ट्री जॉब भी मिले, फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी है। तो फिर ये फील्ड डिपेंडेंट है कि जॉब कहाँ है, और ये भी आपको समझना है कि बाहर जॉब मिलना भी उतना इजी नहीं है। अगर आप मोटिवेटेड और एक्सलेंट रिसर्चर नहीं होंगे तो अच्छी जॉब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये नहीं है कि बाहर मिल जाएगी और यहाँ नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ ही नहीं मिलेगी, ये तो शायद उन्होंने नहीं कहा होगा। नहीं, पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं भी आपको मतलब सीवी जो है आपका उसके हिसाब से ही होगा। तो फिर अभी इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी ग्रो कर रही है, ये हम बोल सकते हैं। पर स्टूडेंट जो है वो तो अलग है, वो आप तो बात कर रहे हैं बाहर से वापस आने की, वो तो हम भी आए थे और वो ये था कि जो भी हमने सीखा है उसको इंडिया में कंट्रीब्यूट करना है, इंडियन साइंस को आगे बढ़ाना है, जितना भी छोटा मोटा हम लोग जो भी कर सके उससे उसको करना है, क्योंकि बाहर रह के यही करने से वो बोलेंगे कि ये एक्स वाई जेड कंट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट इन एक्स वाई जेड कंट्री हैज डन दिस। बट दैट इज नॉट द सेम कि इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट इन इंडिया हैज डन दिस, क्योंकि तब वो सच में इंडियन होगी ना कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है, इसी के लिए काफी सारे लोग हम वापस आए हैं बाहर से कि हम यहाँ पे कुछ करेंगे। पर इसमें ये है कि थोड़ा ब्रेन ड्रेन जो है उसको हम लोग अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी अट्रैक्टिव बनाएं फेलोशिप्स को। फिर स्पेशल पोजीशंस हो रहे हैं कि वो ब्लैक, मतलब उस तरह की सैलरी, तो कंपेरेबल सैलरी भी है, तो वो भी हो रहा है। अभी अभी काफी सारे इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पर अंदर से होनी चाहिए कि देखिए हम लोग साइंस ना माने पैसे के लिए नहीं कर पाएंगे, ये आपको बोल देती हूँ मैं। आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको मिलियनर बिलियनर बनना है तो साइंटिस्ट होना मुश्किल है, क्योंकि साइंस में उतना ज्यादा वो इकोनॉमिक वो नहीं रहता है। अगर आप कंपनीज वगैरह करेंगे तो ठीक है, पर वो साइंस साइंस के लिए करते हैं हम, और जो भी होता है हम से रह रहे हैं कंफर्टेबली जो भी है अभी, यही है। मतलब ये तो बहुत डिफरेंट है आईटी वगैरह से, जहाँ वो पे तो बात, ना एक तो वो तो काफी हद तक जी लोग समझ सकते हैं जो विज्ञान पढ़ते हैं, उनको तो तो हाँ, वो तो मुझे लगता है कि वो उसमें मोटिवेटेड होके ही आएंगे, वरना तो वो मुश्किल है। मोटिवेटेड होके ही आएंगे। पर दिक्कत यही होती है ना कि अब जितना प्यार हम अपनी कंट्री से करते हैं उतना ही फिर हमें ये भी पता है कि घर वालों को भी जवाब देना पड़ता है कि भैया इतना रिसर्च कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, जी तो तुम्हें हर बार रोटी हम ही खिलाएंगे या तुम भी कभी कुछ खिलाओगे। तो मतलब वही आ जाती है बात कि अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ अर्न करना है, जी बट वो तो है। ये नहीं कि पर मतलब अभी एकदम। शिवा, अभी जो फेलोशिप वगैरह है उसमें से तो घर वालों से तो हेल्प लगती नहीं है अभी स्टूडेंट्स को, वो तो खुद ही सरवाइव करते। अभी तो बड़ा भी है 2-3 साल पहले, और भी बढ़ना चाहिए। हम लोग तो वैसे तो हमेशा बोलते रहते हैं कि और भी इसको मतलब इन्फ्लेशन के साथ बढ़ना चाहिए, ये सब है। पर ये भी सही बात है कि ये नहीं है कि बाहर जाने से ही आपको बहुत सारा नहीं, एक जो रुपए। आपने बात बोली थी बहुत जो प्रैक्टिकल बात है एकदम, जी जो काफी हद तक समझ आती है कि बाहर जाएंगे तो खर्चा भी उस हिसाब का होता है, और फिर जी वो खर्चा तो
मैथ है वो तो, सिंपल मैथमेटिक्स है, बट वही है ना कि एक कन्वर्जन का रेट जो माइंड का है एग्जैक्टली। माइंड में चलता है कि हाँ मैं इतने कमाऊंगा, इतने हो जाएंगे फिर इंडिया में तो मैं घर खरीद सकता हूँ, बट ये नहीं पता कि वहां के जितने में यहाँ घर खरीदोगे उतने में वहां किराया में निकल जाएगा। यहाँ पे तो अगर आप एक 1 बेडरूम मतलब BHK में कोई स्टूडेंट रह रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्लैट रेंट करके रह रहे हैं, तो फिर वही इक्विवेलेंट अगर आपको रहना है तब तो मतलब आपको वो भी चेंज करना होगा फिर, अगर आप डॉर्म में ये सब है तो फिर ये सब काफी वो सारे फिर आप इंटरेस्टिंग, मुंबई और दिल्ली का वो लगा लो ना कि वो भी लगा लो आप तो फिर वो तो दिल्ली में वो क्या बोलते हैं कंपैरेटिवली उसको, चीजें सस्ती मेट्रो हैं। चार्ज। हाँ, दिल्ली हाँ में दिल्ली में कंपैरेटिवली चीजें सस्ती जी हैं क्योंकि अब यहाँ से सारी कंपनीज वगैरह तो अब जा चुकी हैं, बट दिल्ली में इसलिए कंपैरेटिव, वहां पर फिल्म इंडस्ट्री है, बाकी इतनी सारी जी चीजें हैं, तो वो वहां पर और जगह भी छोटी है, हर किसी को नहीं जी मिल सकता, तो वो ये छोटी छोटी सी जगहें मिलेंगी आप लोगों को 25-25-30 हज़ार के किराए में, तो वो है। पर रिसर्च के बारे में अगर हम बोलेंगे तो और एक बात भी है कि जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं, अगर आप इंडियन कंपोनेंट्स काफी कम यूज होते हैं, जो हाई प्रिसिशन के होते हैं वो बाहर से ही आते हैं अभी तक, तो इसमें काफी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, कि अगर जो हमारे जो इंडस्ट्री है वो हाई प्रिसिशन की चीजें खुद बनाने लगे तो फिर हमको वो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो अभी बहुत बड़ी बात है मेक इन इंडिया। लास्ट ईयर एक शायद इंडिया साइंस वायर में ही, तो विज्ञान जी प्रसार की हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसमें एक आर्टिकल आर्टिकल न्यूज आर्टिकल आया था कि उसमें एक कॉन्फ्रेंस जो है लास्ट ईयर हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार हुआ था, कि मोबाइल फोन्स जो हैं वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं लार्जली अपनी नेबरिंग कंट्री से, जी और बहुत सारे जो ब्रांडेड फोन्स हैं वो अपने पार्ट्स जो हैं उसी कंट्री से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं सो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो, दोनों ही चीज के लिए हम बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो जी इंडिया में जितनी कंपनीज हैं वो अपने R&D को किस तरह से सुधार सकते जी हैं, सेल फोन्स के मामले में, लैपटॉप्स के मामले में, टेक की चीजों के मामले में किस तरह से वो बहुत सुधार कर इंपॉर्टेंट। सकते हैं और गवर्नमेंट का उनको क्या हेल्प मिल सकती है, इसके बारे में लास्ट ईयर एक सेमिनार हुआ था। अब आने वाले समय में और रिसर्च करके बताऊंगा इसका कि कंक्लूजन क्या निकला है, और एक टाइम पे जो इंडियन कंपनीज कहलाई थी, मतलब कहलाती थी, एक कंपनी जो है इंडियन कहलाती थी, वो जो लाइक पार्ट्स बाहर से ला रही है अभी। पार्ट्स बाहर से लाके यहाँ हाँ असेंबल करके, तो असेंबल करके। हाँ वो जो R&D में खर्चा है, जो R&D का खर्चा है, मतलब R&D करके उसमें अपना प्रोसेसर बनाना, अपना कोड बनाना, जी वो सब बहुत आप इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे और क्वांटम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो फाइबर है, ये जो लेंस है, मिरर है, ये लोग अगर हम वो उसी क्वालिटी का अगर हम बनाएंगे तो फिर रिसर्च में भी बहुत फायदा है कि 7-10 दिन में हमको मिल जाएगी, हमको दो हाँ, तीन महीने वेट करना होता है, तो फिर ये एक प्रॉब्लम है कि प्रिसिशन की कोई चीज हो तो फिर हम उसको अभी तक ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे एनी रैंडम इंडियन कंपनी को, तो फिर इधर बहुत स्कोप है टू इंडिजिनाइज वेरियस कॉम्पोनेंट्स ताकि हम लोग सेल्फ सस्टेन्ड हो सके, वरना तो हम लोग हमेशा इम्पोर्ट अगर करते रहेंगे तो सेल्फ सस्टेन कभी नहीं हो पाएंगे। और अभी हमारी जो बहुत इम्पोर्टेंट जो कैंपेन है उसको बोलते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन, जो गवर्नमेंट की है, उसके अंडर ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को वो क्वांटम नो क्लोनिंग थ्योरम नहीं पढ़ना है, पर अगर ये सब कॉम्पोनेंट्स को अच्छे से बनाए तो फिर बहुत फायदे में होगी रिसर्च हमारी क्योंकि तो। जी इंडस्ट्रीज अगर इंडिया में ही लगेंगी तो जी तभी तो कुछ फायदा होगा, तो कुछ तो फिर प्रोडक्शन वो अगर, सेल्फ कंटेंट होगा ना, तो फिर हम बाहर पे डिपेंड नहीं करेंगे ना किसी चीज के लिए, तो फिर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करनी होगी, पर हमको ऑनेस्टी से करनी है, कभी कभी कभार हम नहीं करते हैं वो, तो फिर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी वैसे ही आ जाएगा, तो फिर ये सब भी है। ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इसको जरूर देखना पड़ेगा। जो जुगाड़ है वो ना करके प्रिसाइज जी इंडियन जो, जुगाड़ हाँ, प्रिसाइज जो काम है वो जरूर किए जाए। जी, अब किसी आ किसी चीज में इम्पोर्टेंट है, मतलब जी कभी कभी बहुत तो जुगाड़ बहुत चल जाता इम्पोर्टेंट, है पर। बहुत इम्पोर्टेंट है। जी अब मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का अगर लेंस चाहिए, अगर मैं बहुत सिंपल उसमें बात करूं, पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक लेंस चाहिए, आज ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो
अगर एक आपको फ्रेम बनाना है, एक फ्रेम बनाना है देन उसमें अगर आपको 3 mm का लेंथ चाहिए कहीं पर, तो 3 mm के पार्ट्स चाहिए और किसी ने 3.1 mm कर दिया, तो 3.1 mm उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो 1 mm है। बट अगर ऐसे 10 पार्ट जोड़ ले तो वो 1 cm एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 cm एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर थोड़ा और जोड़ेंगे 2 cm एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ऐसे आपकी बीम कहाँ जा रही है, फिर वो फोकस जहाँ पे होना था वो फिर आपसे कम्युनिकेट नहीं करके मैं जम्मू से कम्युनिकेट कर पाऊंगी, तो फिर मतलब छोटा छोटा जो अगर हम उसमें इम्प्रिसिशन लाएंगे ना, तो फिर आपने जो बोला वो मतलब एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशन, तो फिर वो सभी ड्रॉप्स को सही होना है वरना वो ओशन ही चेंज हो जाएगी उसकी कैरेक्टर, तो फिर ये जो है ना ये हम लोग शायद कभी कभी इसको थोड़ा नजरअंदाज कर लेते हैं, तो ये भी एक है डिफरेंस थोड़ा कि हम हमको थोड़ा सीरियस होना है एट एवरी लेवल। बट देन हैविंग सेड दैट अभी एनवायरनमेंट इज वेरी गुड, हमारे फील्ड में तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी ये बूमिंग फील्ड है, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ करने को है, और फिर अभी मतलब रिसोर्सेज भी काफी हो रहे हैं, तो फिर दैट इज वेरी नाइस। बट देन एक और भी प्रॉब्लम है, आपने पूछा कि क्या डिफरेंस है, तो फिर एक डिफरेंस जो मैं मेरे पर्सनली जो एक डिफरेंस है वो शायद आई डोंट नो वेदर इट्स ओके फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, इट्स अ लिटिल आई वुड से कि थोड़ा ज्यादा ही मतलब स्कैंडलस है जो भी है, पर यह है कि हमारे इंडिया में जो क्या होता है ना कि मतलब हमारा जो फील्ड है काफी यंग है, मतलब कि 10 years 15 years ऐसे ओल्ड होंगे लैब्स, इससे ज्यादा तो है नहीं, थियोरी की बात नहीं कर रही एक्सपेरिमेंट्स, पर जब हम सोचेंगे कि मतलब नेशनल लेवल पे रिकग्निशन देना किसी को या फिर किसी कोई लीडरशिप रोल जो भी हो, वो फिर भी हम वो मेल मतलब थोड़े एजेड मेल के बारे में ही सोचते हैं इंडिया में, कि ये अगर एजेड थोड़े से हैं मतलब late 50s हो जाए कि और थोड़े मतलब मेल भी हो जाए तो फिर वो ज्यादा केपेबल हो जाते हैं, मतलब इंडियन माइंडसेट में एक अगर वो फीमेल हो और फिर थोड़ी सी यंगर हो तो फिर वो शायद उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, पर इंटरनेशनल लेवल में वो जितना भी उनको रिकग्निशन मिल चुका हो या फिर जितना भी आपने अच्छा काम किया हो, काम से ही तो होना चाहिए ना, पर हम काम नहीं देखते हैं, हम वो थोड़ा वो जेंडर देख लेते हैं, जेंडर बायस्ड है हम लोगों का काफी है। हाँ, काफी है, वो हमारे अंदर तक घुसा हुआ है, वो हमारी नसों में है, और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि लड़कों में है, इवन फीमेल्स में भी है, फीमेल्स में भी जेंडर बायस बहुत देखा जाता है कि जी मतलब फीमेल्स को, हाँ फीमेल्स ही फीमेल्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो होता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो फिर ये भी एक है कि इसमें ये शायद हम में थोड़ा ज्यादा है थोड़े और कंट्री, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ही, पर इसमें भी अगर हम देखेंगे तो हम लोग शायद थोड़ा आगे, साउथ वेस्टर्न जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा है, हाँ उनमें सुधा, इंडिया बांग्लादेश नेपाल वगैरह में हम सब ने काफी सर्वे किया हुआ है इसमें, तो इसमें भी हमको चेंजेस लाने हैं अगर हम मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन अगर हम एनवायरमेंट में चाहेंगे। एक्चुअल में ये बात इक्वालिटी की हमेशा आएगी जी, और इक्वालिटी की बात हमेशा आएगी, इसीलिए भी आएगी क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, बट एक्चुअल में लीडरशिप किसके हाथ में जाती है, किस चीज कौन कौन जो है वो लीडरशिप पोजीशन पर है, और जो लीडरशिप पोजीशन पर हैं क्या वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने आप को, क्या नहीं कर पा रहे, बहुत सारे ऐसे चीजें जो होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट जो होते हैं वो जो है वो मतलब यहाँ पर काम करते हैं, तो किसी एक की गलती को दूसरे पे थोप कर और मतलब ऐसी चीजें बहुत देखी जाती है, तो अगर आप सोचे तो इस एनवायरमेंट में भी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना थोड़ा ज्यादा मायने रखता है देन इन एन एनवायरमेंट जहां ये थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज मतलब लोगों को अप्रिशिएट करनी है कि पर खैर ये तो रिसर्च से कोई इसका कोई मायने नहीं है, अगर रिसर्च से इसका मायने नहीं है, बट एक चीज आप ये भी देखिए कि रोजेंडा टॉक्स का ही अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पर भी फीमेल रेशियो जो है वो बहुत कम है,
बहुत कम से मेरा मतलब बहुत ही कम, आप पहले हो फीमेल साइंटिस्ट जिनका मैंने इंटरव्यू किया है, साइंटिस्ट अच्छा, तो फिर प्रोबेबिलिटी अभी 1/1 कुछ हो गया है। 1/1 कुछ होगा। एक रिसर्च स्टूडेंट रही थी रश्मि अच्छा शौरेन, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो तो स्टूडेंट जी है, तो अभी मुझसे भी छोटी है, तो मतलब अभी हाँ जी वो रिसर्च फिलहाल कर रही है वो, बट वो है कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं रोजेंडर टॉक्स पर भी आपको बताऊं तो वो भी बहुत कम है। तो ये रिप्रेजेंटेशन की बात जब आती है तो एक्चुअल में जेंडर बायस हम लोग हैं, और बात वो है कि एक्सेप्टेंस पर इसका आपको सोल्यूशन चेंज है। करना है। नहीं, चेंज आपको कर तो रहा हूं खैर चेंज करना मैं मेल्स लिख रहा है। हूं, आप आना आप एक्सेप्ट मत लोगों के कर है, लीजिए। नहीं हाँ, वो मैंने आना आप तो लोगों के गट है, आना आप से हाँ लोगों बोल को दिया। है, हाँ आना जी आप जी लोगों को है, क्योंकि नहीं, हाँ वो एक तो तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे अगर वो एग्री नहीं करेंगे। पर मैं जो बोल रही हूँ कि ये जो ये आप ही का चैनल है, तो फिर आई एम श्योर कि आप ही को इसमें प्रोएक्टिवली जी, इसको बिल्कुल चेंज करना है। तो फिर आप बहुत यंग हैं, तो फिर आपका माइंडसेट ही हमको चाहिए इन द नेक्स्ट जनरेशन ना। आपका जी। आपका जो एज ग्रुप है ये अच्छा है, क्योंकि इसमें शायद ये इतना बायस नहीं हो। हाँ इतना बायस नहीं है, क्योंकि नहीं होने आजकल चाहिए। हम लोग देखते हैं ना कि फीमेल्स भी बाहर जाके काम कर रही हैं, तो जी कॉरपोरेट कल्चर में तो यही हो रहा है ना कि फीमेल्स के अंडर मेल्स काम कर रहे हैं काफी काफी ज्यादा है। काफी, वहां वहां तो ये सब चीजें चल रही हैं, तो वो जेंडर बायस जो है वो एक तरीके से वहां पर जो है वो कम होता दिखाई देता है। देन उसके बाद कॉलेजेस में हम न्यू फैकल्टीज को जब देखते हैं तो न्यू फीमेल जी फैकल्टीज जो होती हैं उनमें भी काफी ज्यादा, मतलब इस चीज पे काफी ज्यादा, मतलब फिर हम कह सकते हैं कि काम करने की कोशिश जो है वो इसी तरीके से हो सकती है। जी बाकी हाँ भाई ठीक है, तो बायस ना करते हुए भाई और भी लोगों को मैं जरूर बुलाऊंगा, और सिर्फ इसलिए नहीं बुलाऊंगा कि मुझे ये रेशियो मेंटेन करना है, मैं उन नहीं, लोगों को बुलाऊंगा कि जिनका एक्चुअल में रिसर्च में काम जो है वो, उससे इंडिया को भी फायदा हुआ है, प्लस उनके रिसर्च में जानने के बारे में जानकर तुम लोगों को भी फायदा होगा, और रोजेंडा टॉक्स का यही मतलब है। और मेरे को बहुत दुख शिवा दुख है एक कि इम्पोर्ट, हाँ हाँ मैं जब बोल रही हूँ कि ये जो इक्वालिटी की बात आपने की, आप शायद ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी मतलब अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी हो, वो जेंडर पे हो या किसी और पे हो, वो ये नहीं चाहेगी कि आप उसको कोई स्पेशल फेवर दो। हाँ वो यही चाहेगी कि आप उसको इक्वली इक्वल इम्पोर्टेंस दो। ट्रीटमेंट, दैट इक्वल इज ऑल। इम्पोर्टेंस, कि आप ऐसे मत करो कि आपने किसी को बुलाया क्योंकि वो फीमेल है, पर आप हाँ ऐसे मत करो कि आपने वही नहीं बुलाया मेरा क्योंकि वो फीमेल नहीं मेरा है। कहने का मतलब वही था, कहने का मतलब नहीं, वही मुझे था कि मैं इसलिए नहीं जी बुलाऊंगा कि वो फीमेल है, मैं इसलिए बुलाऊंगा जी क्योंकि जी उनका रिसर्च जो है, शी इज अ साइंटिस्ट, और शी इज अ साइंटिस्ट, शी इज अ वेरी गुड साइंटिस्ट, एंड शी ऑल्सो हैपन्स टू बी अ शी, विच इज नॉट एन इशू। विच इज नॉट एन इश्यू, वो तो एग्जैक्टली कुछ उसमें कोई वो नहीं है, बट हाँ जी तो आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल जो है इस सेशन का जो है, इस सेशन का नहीं मतलब इस पार्ट का जो है वो मैं लूंगा, और फिर एक छोटा सा जी पार्ट जो है वो मैडम के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो आखिरी पार्ट जो मैं एक आखिरी सवाल जो ये पूछना चाहता हूँ कि कोविड ने किस तरह से एक जो है वो असर जो है वो अपना दिखाया रिसर्च पर, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और थ्योरेटिकल जो साइंटिस्ट हैं, पिछली बार मैंने आरशंकर सर से भी बात करी थी, ऑलमोस्ट जितने भी लोग मैंने बात करी हैं उनसे वो थ्योरेटिकल फील्ड से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो उनका अभी भी आपने भी बताया कि उतना काम उतना हैम्पर नहीं हुआ, मतलब कि ये नहीं तो वो सही, तो आरशंकर सर ने तो मतलब कोविड के ऊपर भी काफी जो है वो जी, मॉडलिंग काम वगैरह करना। हाँ जी, वो किया था, हाँ बट एक्सपेरिमेंटलिस्ट को हमेशा लैब की जरूरत जरूर पड़ती है कि लैब जी में एक्सपेरिमेंट जो है वो करना है, तो एक तो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बीच में तो हम नहीं कर सकते थे, बट जब जी लॉकडाउन खुला तो एक चीज जो है वो ज्यादा चल रही थी, कोविड पर रिसर्च होना चाहिए, तो क्या इससे बाकी के रिसर्च जो है वो हैम्पर हुए थे, क्या इसमें आपको वो देखने को मिला था कि नहीं अभी आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, अभी आपके लैब्स को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, अभी सिर्फ कोविड से रिलेटेड जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो भी हमें वैक्सीन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, मतलब बेसिकली उस डायरेक्शन में अगर हमें कुछ मिलेगा तो हम उस चीज को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, अभी आपके काम को हम लोग मतलब क्या रिसर्च ने सफर किया
जो अदर सब्जेक्ट्स के रिसर्च हैं? देखिए, वो आपने जो पहली बात की वो तो सही है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन जनरल तो ज्यादा सफर होगी ही, क्योंकि वो लैब की जरूरत होती है. पर हम लोगों ने जो किया वो जो भी मतलब, और ये भी बात है कि थियोरी में भी मतलब ये तो है ना, सेकेंड वेव में जो था कि सभी लोग थोड़ा हिल गए थे. मतलब इतना ज्यादा मतलब एवरी ऑल्टरनेट पर्सन, आप जिन मतलब आपने अभी एग्जाम्पल भी लिया कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हो रहा है, तो फिर थियोरी भी कर पाना मुश्किल है, कुछ भी बहुत कर पाना बहुत मुश्किल हो मुश्किल है, गया क्योंकि न्यूज तो इतनी सुन रहे थे कि अपने लोगों की था. न्यूज सुन रहे हैं, तो जी वो तो फिर जी हर तो किसी फिर ने ये तो अपना को अलग ही खोया है। बात है. हाँ हाँ जी, तो फिर ये तो अलग ही बात है. तो फिर इस वेव के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते. लास्ट ईयर नहीं, में फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल था, तो फिर उसमें वो जो आपने हाँ बोला वो एप्लीकेबल है कि थियोरिस्ट शायद कुछ कर पाए जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट. पर हम लोगों ने री इन्वेंट किया, मतलब कि हाँ, जब माइंड स्टेबल था तो फिर कुछ सिमुलेशन किया, कुछ एक्सपेक्टेशंस जो एक्सपेरिमेंट से आएंगे उनको देखा. मतलब जो भी घर बैठे कर सकते हैं कुछ कुछ प्रोग्रेस उसमें हुआ, पर एक्सपेरिमेंट फिर भी लैब में होता है तो हैम्पर हुआ. पर ये कोविड रिसर्च से हम लोगों की स्पेसिफिकली रिसर्च नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि जो भी है ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि पूरा फोकस कोविड पे जाए, क्योंकि हम जी लोगों को एज अ ह्यूमैनिटी सर्वाइव करना था. तो जी फिर अगर वैक्सीन पे रिसर्च हो, मास्क पे रिसर्च हो, तो नेचुरली उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. तो किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि ये क्यों हो रहा है. और थोड़ा फंडिंग में डिले वगैरह हुआ, पर किसी को भी उससे कुछ मतलब कुछ कोई कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि उनको वो भी उसी को सपोर्ट कर रहे थे कि ये वाला अगर ठीक से निकले तो फिर वैक्सीन रिकॉर्ड टाइम पे हुई है तो फिर हम लोग अभी अपने आप को थोड़ा सा सेफ सोच सकते हैं. तो फिर ये तो एवरी साइंटिस्ट उसमें सपोर्टिव रहा होगा कि ये जी नहीं है कि हाँ थोड़ा फंडिंग डिले हो गया, नहीं आया, 2-3 महीने नहीं आया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स में सर्वाइव करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऐसे, थोड़ा हैम्पर तो हुआ है पर वो सभी समझ रहे हैं तो क्या करें, भी जी उसी से आगे जी बढ़ना जी है. जी तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का, और जरा जी साइंस साइंस की बातें, साइंस से एकदम हटके थोड़ा कुछ बातें जो हैं वो थोड़ी बहुत ही करेंगे, और लास्ट पार्ट में हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है क्योंकि हम जी लोग पहले ही एक्सटेंड कर चुके हैं समय को, और बट फिर भी थोड़ा समय जो है वो मैं आपका लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि आपके रिसर्च के बारे में काफी बात हो गई, बट अब आपके बारे में भी इस बात जो है वो मैं करना चाहूंगा। तो सबसे पहली तो हमें ये बताइए कि विज्ञान जो है वो आपकी जिंदगी में कैसे आया? आप बंगाल में पले बड़े हो या फिर आप किसी और स्टेट में पले बड़े हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना एक्चुअली चाहूंगा। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं तो मेरा जन्म हुआ है लंदन में, तो फिर वो इंडिया में ही नहीं हुआ. तो फिर ये क्वेश्चन शायद इंटरेस्टिंग होगा. आपके आपका आंसर थोड़ा सिंपल होना था. फिर मैं 7 स्कूल्स में जा चुकी हूँ. तो फिर लंदन से जब हम वापस आए तो फिर बॉम्बे में, फिर वेस्ट बंगाल में एक बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में शिवरी जगह है वहां पे, फिर कैलकटा में भी, फिर बैंगलोर में भी मैं पढ़ी हूँ. तो फिर 7 स्कूल्स मैं जा चुकी हूँ ड्यूरिंग चाइल्डहुड. तो फिर एक स्टेट से तो मेरा कोई मतलब, मैं ये नहीं बोल सकती कि इसी स्टेट में मैं पली बड़ी हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टेट्स, काफी सारे स्कूल्स मैंने, क्योंकि मेरे फादर के जो जॉब का जो जॉब था वो ट्रांसफरेबल जॉब था. वो बैंकिंग में थे, वो जनरल मैनेजर थे यूको बैंक में. तो फिर उनका ट्रांसफरेबल था, तो फिर हम लोग भी उनके साथ ही ट्रैवल करते थे. इसीलिए मैं लंदन में पैदा हुई. तो फिर हाँ, तो फिर काफी कॉस्मोपॉलिटन है मेरा जो मतलब चाइल्डहुड, ये बोल काफी सकते हैं. काफी काफी सही, काफी सही, काफी सही। तो अच्छा, एक जो आपके चीज है कि मतलब इतनी सारी जब स्टेट्स में आदमी जो है घूम लेता है, तो एक एक लैंग्वेज में जब बढ़ते समय जब जो है वो बात आने लगती है कि जी लैंग्वेज जो है वो स्टेट की एक्वायर करने लगते हैं, बट आपने बताया आप बैंगलोर में थे, देन उसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गए, तो सडनली अगर हम लोग क्या नाम है मद्रास की जो कनाडा भाषा फिर कन्नड़ा से डायरेक्ट फिर मराठी, तो वो जो सडन शिफ्ट होता था लैंग्वेजेस में, क्योंकि टीचर्स की भाषाओं में भी वो चीज दिखाई देती है,
मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसे मतलब दिल्ली में रहते रहते एक अदर लैंग्वेज के स्कूल में कुछ समय पढ़ चुका हूँ, तो वो कैसे हैंडल किया आपने और वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? हाँ, तो पहले हम लोग मुंबई में थे, तो फिर तब तो मैं बहुत छोटी थी, तो फिर थोड़ा मराठी मैंने पिकअप किया था। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में जो शूडी में गए, तो फिर वहाँ काफी ज्यादा बंगाली था, तो फिर मेरा जो है सेकंड लैंग्वेज हिंदी रहा है, क्योंकि मैं बंगाली होने से भी वो हिंदी था, क्योंकि सभी स्टेट्स में हिंदी तो पढ़ाते हैं। तो फिर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश था, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी था। तो फिर बांग्ला जो है वो मैंने फॉर्मली ऐसे पढ़ा नहीं है, मतलब एक ही साल ऐसे पढ़ा है। और फिर मैंने संस्कृत भी पढ़ लिया थर्ड लैंग्वेज, फिर कन्नडा भी पढ़ लिया थर्ड लैंग्वेज। तो फिर काफी सारे लैंग्वेजेस, वो जैसे होता है ना हमारे थर्ड लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज इतना कुछ होता है, तो फिर काफी सारे लैंग्वेजेस पढ़ते पढ़ते ऐसे होता रहा है। पर वो स्कूल जो है वो उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा इंग्लिश ही रहा है, जो भी स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर वो जिससे हम मतलब बच्चे जो हैं जो खेलते हैं, तो वो डिफरेंट लैंग्वेज होता रहता था, तो वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग ही था, क्योंकि वो काफी सारे फ्रेंड्स हो गए फिर जब तक स्कूल खत्म हुआ। तो मतलब दो ही ऐसे नहीं है, मतलब इधर दो है उधर दो है, ऐसे होता रहता है। फिर वो सही। तो मुझे तो वो अच्छा ही लगता था, पर थोड़ा वो मिस करते थे कि हाँ ठीक है फिर अभी दूसरी जगह चले गए तो वो लोग वहां रह गए। ये तो होता है बचपन में, जैसे मिस करते हैं आप फ्रेंड्स को। लेटर वेटर लैंग्वेज लिख में के कोई पहले प्रॉब्लम? चलता होगा कि जी लेटर वेटर हाँ, दोस्तों तब को तो लिखते लेटर लिखते हैं। थे, तब तो हाँ ईमेल का कोई था ही नहीं। हाँ नहीं अभी तो दोस्तों हम को, ऐसे बात कर सकते हैं। हाँ दोस्तों को ईमेल लिखना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो अभी तो क्या है कि अभी जो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, अभी तो शायद सब कुछ बहुत आसान हो गया है। तो फिर भी मैं देखती हूँ कि उतना भी हम लोग बात नहीं करते जितना कि करना चाहिए दोस्तों में नहीं भी। हो सकता, नहीं हो सकता। अगर मैं ये जूम कॉल अपने दोस्तों के साथ करना चाहूं वो नहीं होगा, वो एक ही बार तो हुआ है इस ईयर में, तो फिर आप समझ गए सकते। वो नहीं होगा, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो नहीं होगा। क्योंकि ये मेरी और आपकी बातचीत इसलिए हो पा रही क्योंकि हम प्री डिफाइंड थी ये सारी जी, चीजें, और हम लोग मतलब प्लान कर हमने रहे डिसाइड थे, किया था हमने कि डिसाइड प्लानिंग किया में है। था ये 5 तारीख को हम लोग बैठेंगे साथ में, बात करेंगे इस बारे में, तो हो जी पाया। ऐसे नहीं कि मतलब हम दोनों ही अपने अपने शेड्यूल में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो कॉल नहीं करेंगे, ऑडियो कॉल भले ही कर लें। तो व्हाट्सएप चैट ही कर लगते हैं, मतलब वही सबसे ज्यादा होता है कि कुछ हाँ किसी चैट में आप करें, व्हाट्सएप हो मैसेंजर जो भी हो। एक चीज आपसे पूछता हूँ। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो 5 तारीख है आज, तो जी अगर तुम लोग थोड़ा फॉलो करते हो न्यूज वगैरह, तो कल आपको पता लगा था कि व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जी और ऑफ कोर्स, फेसबुक। एब्सोल्युटली पता लगा था। और फिर मतलब बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ट्वीट भी आ रहे थे मेरे फ्रेंड से, कि रात को 1 बजे किसी ने ट्वीट किया, अभी चैन से अभी नींद आएगी, कि ये आ गया है वापस। मतलब लोगों को नींद नहीं आ रही है कि व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे। मेरा तो वैसे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मैं लिटरली सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये वाला पॉडकास्ट नहीं करता, मेरा दूसरा चैनल भी है, उस पर दूसरे लोगों अच्छा के साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ, मतलब जी, वो लाइक स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड ऑल, अच्छा बाकी अच्छा लोग। तो मैं लिटरली मैं सोच रहा कि मैं इनको भेज तो रहा हूँ वीडियो, ये वीडियो जा क्यों नहीं रहा है? मैं हाँ इंटरनेट चेक किया, मैंने सब कुछ चेक किया, फिर मैं देख रहा हूँ मेरे इंटरनेट पे यूट्यूब बड़े अच्छे से चल रहा है, बट ना फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है। तो 1 घंटा तो मैं परेशान रहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा ये एक्चुअल में सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर मैंने देखा हाँ, फिर मैंने कहा वो तो हाँ ये न्यूज आर्टिकल आ न्यूज गए एकदम टॉप न्यूज न्यूज। आर्टिकल आ गया कि अब ये जो है सर्वर का प्रॉब्लम हो गया है, तो मैंने कहा जी हाँ चलो ठीक है, फिर ये अब हाँ, फिर सो जाते हैं आज तो। आप तो फिर भी सो गए, पर काफी लोग उसके आने के बाद ही सो गए। नहीं ये अच्छा रिपोर्ट सुबह आई। अच्छा अच्छा एक 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 जो है वो ट्रुथ जो है वो मतलब एक तरीके से ट्रुथ बॉम्ब जो है वो अच्छा हमारे चेहरे पे जो गिरा है कि एक दिन के लिए अगर हमारे कम्युनिकेशन सोर्सेज जो है वो हटा दिए जाए, कम्युनिकेशन सोर्सेज मैं बोलूंगा सोशल कि मीडिया आप बोल सकते हैं, सोशल मीडिया तो इंस्टाग्राम और फेसबुक हो गए, बट व्हाट्सएप काफी व्हाट्सएप तो पर्सनलाइज्ड, कम्युनिकेशन। हाँ हाँ पर्सनलाइज्ड हो जाता है, तो वो थोड़ा बहुत हैम्पर हुआ तो काफी जो है जी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि एक्चुअल में व्हाट्सएप जो है वो उन लोगों तक भी पहुंच चुका है जो लोग जो है वो मतलब
टेक्नोलॉजी से उतना ज्यादा वो नहीं कर सकते जी, absolutely. जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, वो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं बट उनको इंस्टाग्राम फेसबुक से उतना मतलब नहीं है, बट वो व्हाट्सएप यूज करते हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे वो अपने लाइक बच्चों से वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज सकते हैं, तो वो तो मतलब फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो व्हाट्सएप हो चुका है। खैर ये तो है, ये तो रही बात भाई कल की। तो तुम लोग अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो अभी बहुत समय हो गया है इस बात को, अगर बीच में ऐसी कुछ घटना हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैम आपने काफी सारा समय, फिर आपका जन्म जो है वो लंदन में हुआ, फिर आपने कैम्ब्रिज में जो है वो पढ़ाई करी, तो यहाँ से पढ़ने के बाद अच्छा आपकी बीएससी कहाँ से है? बीएससी जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में। जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में। कलकत्ता में जो आईएसीएस वगैरह यहाँ गए हो? आईएसीएस हाँ, वहाँ पे काफी सारे टॉक्स दिए, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट में ही है। आपने आपने वो फिर वो देखे हैं क्या नाम है जो रामन सर के अप्रेटिस हैं? हाँ वो नहीं देखा पर मालूम है कि वहाँ पे है, मैं तो जब गई हूँ फिर टॉक दिया है अपना, फिर डिस्कस किया चले है, पर एक बार जाके उसको देखना चाहिए, आपने सही बताया। हमारा तो वैसे जो मेरा जो बैकड्रॉप है उधर रामन म्यूजियम है, उसमें काफी सारे चीजें हैं सर सीवी रामन के, हमारे आरआरआई में ही है वो म्यूजियम। मैंने काफी सारी चीजें उनके बारे में पढ़ी हैं। अच्छा उनका वो प्रिज्म भी फिर आपने देखा होगा कि जो उनके पॉकेट, ये सब हमारे म्यूजियम में है, पॉकेट में रहता था वो हमेशा उनके प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप जो रहता था उनका। हाँ फिर उनका वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, फिर उनका बटरफ्लाई कलेक्शन है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो भाई साहब क्या आदमी थे, मतलब साइकिल से वॉयलिन बजा दिया, साइकिल के वो निकाल निकाल के वॉयलिन बना दिया, बस मैकेनिकल वॉयलिन वो स्टार्टिंग के दिनों में बनाया था। स्टोर्ड है वैसे। मेरा बड़ा मन है, रामन सर से काफी ज्यादा लगाव है तो मेरा बड़ा मन है वो सब चीजें देखने के लिए। कोई स्पॉन्सर मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा क्योंकि मेरे पास तो अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं घूमू इस जगहों पर, बट मेरे को देखनी है सारी चीजें, देखनी है और डॉक्यूमेंट करनी है लोगों के लिए कि ये सब चीजें जो मैं जानता हूँ रामन सर के बारे में उसको डॉक्यूमेंट करूँ। खैर वो एक बायस है मेरा उनके लिए। बट हाँ अब बात करते हैं आपके जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने बाहर से किया है, तो बाहर की कोई ऐसी मेमोरीज हैं आपकी कि इंडिया के टीचर्स की और बाहर के टीचर्स की कुछ ऐसी मेमोरी हो, कोई लगाव हो कि आपको अब तक याद हो कि इन टीचर ने मुझे इस तरह से पढ़ाया था? हाँ एक तो है, तो वो जब हम लोग जब मतलब फर्स्ट ईयर में जब मैं थी वहाँ मतलब मास्टर्स में, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करना था, दो एक्सपेरिमेंट्स करने थे, वो प्रोजेक्ट था दो वो आपको जस्ट अपैरेटस दे दिया, फिर बोला कि आप इससे कुछ करो, फिर 2 वीक्स बाद आके वो रिपोर्ट दे दो, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ डिस्कशन उसके अंदर करेंगे, आप इससे जो मतलब निकालो फिर भेज दो, मतलब खुद डिस्कवर करो, इस तरह का था। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया, उसमें जो एरर था वो मतलब 10 to the minus कुछ था, 16-17 मतलब 10 to the 16 में 1%, मतलब बहुत ही कम। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया वो पार्टिकल ट्रैक्स में, उसमें 70% एरर आ रहा था, मतलब एकदम ऑपोजिट। तो फिर मैंने जाके उनको बोला कि मतलब जो उधर जो इंस्ट्रक्टर थे सेकंड वाले में कि ये क्या हो रहा है, ये 70% मतलब पहला वाला वो 1 in 10 to the 16 और ये वाला 70। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ बोलेंगे नहीं, जो भी है आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। तो फिर मैंने कर दिया, फिर बाद में पता चला कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें अगर आप 60-70% से कम अगर आपको एरर आएगा तो फिर आपने कुछ मतलब गलत किया है उसमें, तो फिर इसका एरर ऐसा ही है। तो फिर वो बहुत वो हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये दो एक्सपेरिमेंट्स एकदम अलग तरह के प्रिसिशन वाले। तो और फिर एक थे वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते थे, वो क्लास में आते थे एक बहुत बड़ा डंडा लेके, तो फिर वो फ्लूइड मोशन वो दिखाते थे रॉड से, वो मतलब क्लास के सामने वो डेमोन्स्ट्रेशन करते थे लाइव, वो बहुत एंटरटेनिंग था उनका क्लास। वो भी कैम्ब्रिज में था, वेरी इंटरेस्टिंग ये सब बिट्स। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में है ना? नहीं कैम्ब्रिज में है। नहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मतलब कैम्ब्रिज जो सिटी यूके में है या यूएस में है? यूके में है। यूके में इंग्लैंड में है। हाँ तो लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड।
तो आपने मतलब ऐसे स्टीफन हॉकिंग सर को वहां पे कभी लेक्चर सुना है हाँ उनका? एब्सोल्युट एब्सोल्युटली, क्योंकि वो जो इस कॉलेज में, मेरे जो हस्बैंड है वो एक ही डिपार्टमेंट में थे स्टीफन हॉकिंग के, मतलब उनका ऑफिस और इनका ऑफिस बगल में था, तो फिर काफी बार हम लोग उस, मतलब वो तो इंटरेक्ट कर ही चुके हैं, पर नॉर्मली भी हमने काफी बार उनसे इंटरेक्ट किया है, वो सेमिनार में आए हैं, फिर उन वो डिनर पे गए थे, तो फिर ये जो थे मेरे हस्बैंड वो फेलो थे कॉलेज में, तो फिर हाई टेबल में एक साथ डिनर, तो फिर काफी मतलब उनको देखा है, काफी बार उनसे इंटरेक्ट किया है, जैसे भी कर सकते हैं, उनका जो लिमिटेशन था, बहुत ही इंस्पिरेशनल थे वो, मतलब समझ, मतलब वो देखने से ही समझ में आता है कि वो कितना इंस्पिरेशनल थे। वो उनको तो हमने खाली उसमें ही देखा है कि मतलब एक तरीके से वो कहते हैं ना कि किताबों में पढ़ा है, टीवी पे देखा जी है, बस बस नहीं वही नहीं देखा है। यही तो एक एडवांटेज, मतलब हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो लक था वो, कि वो उनके साथ वो मतलब एक्चुअल इंटरेक्शन कर पाना, और फिर वो जो डिपार्टमेंट भी उनका एक ही था, मेरे हस्बैंड का, वो थियोरेटिकल फिजिक्स थे, तो फिर नेचुरली वो एक ही कॉलेज भी था उनका, तो फिर काफी बार उनसे वो उनका उनके काफी सारे एनेक्डोट्स हैं, उनको इंडियन खाना अच्छा बिल्कुल लगता था, तो फिर ये सब है। अच्छा, इंडियन खाने का भी एक अलग माहौल है। मतलब बाहर के लोग इंडियन खाना खाली नॉर्थ इंडियन चीजों को, साउथ इंडियन में सिर्फ वो क्या नाम है अपना, डोसा इडली इडली डोसा वगैरह वो सब चीजें जी जानते हैं, बट एक्चुअल जो इंडियन कुजीन है वो जब अंदर जाके पता लगता है, हम इंडियंस को भी उतना ही पता कि हम इंडियंस क्या इंडियन फूड खाते हैं। तो वैसे तो जैसे जैसे इंडियन फूड वो सेंस ही नहीं है, क्योंकि इंडिया इतनी मतलब डाइवर्स है, तो नॉर्थ हर इंडिया हर गया तो 100 किलोमीटर खाना में खाना बदल रहा है हमारा, हर सौ बदल रहा है, तो फिर किलोमीटर में इंडियन फूड कुछ बोल ही नहीं सकता, मतलब जो हम इंडियन फूड बाहर बोलते हैं वो कुछ कुछ गिने चुने कुछ डिशेस हैं जो पॉपुलर हो गए वहां पे, बटर चिकन हो गया, पर और चिकन टिक्का मतलब मसाला है हाँ वो ना नान इंडियन भी नहीं है, नान चिकन टिक्का मसाला जो मधुर जाफरी ने उसका इन्वेंशन किया है वो एक्चुअली इंग्लैंड में ही किया है, मतलब वो इंडिया से भी नहीं है, उनका वो कुछ टेक है, पर वो मोस्ट पॉपुलर कुजीन रहा है काफी सालों तक, मतलब उनका फिश एंड चिप्स भी सेकेंड आ गया। वो वही है नहीं ना कि हम लोग उस चीज के लिए फेमस है जिस काम हमने किए। वैसे तो वो इंस्पायर्ड है, मतलब कई बार ऐसे है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। बटर चिकन के लिए कितना ज्यादा लड़ाई बट होती है। वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ बता दूँ, चिकन विकन की तो बातें कर रहा हूँ फिर चिकन के बारे में करनी चाहिए। तो बट वही है ना कि फूड ब्लॉग्स वगैरह देखते देखते वो सारी चीजें पता जी लग जाती है। और एक है हमारे डॉक्टर पुष्पेश पंत, तो उनके बारे अभी आप वो बोल रहे हैं तो मुझे अभी भूख लगने लगी है, डिनर का भी टाइम हो रहा है, तो फिर आपने इतना कुछ डिनर बोल दिया डिनर का तो फिर टाइम है, डिनर का टाइम मैं है, तो तो ये भी है, पर कभी तो अभी ठीक है, दो चार चीजों के और नाम ले देता हूँ। संदेश जैसे कि हो गया, तो आपके यहाँ वो तो मैं कब तो मुझे तो मिठाई उतना अच्छा नहीं लगता, वैसे मैं काफी बंगाली उस तरह की हुई नहीं, मुझे लगता है कि बंगाली को मिठाई अच्छी लगनी चाहिए, नहीं पर नहीं, मेरा क्या है कि ऐसा ठीक है। जरूरी नहीं है कि गुजराती को बंगाली को ऐसे मिठाई अच्छी लगनी ही चाहिए। दोनों स्टेट्स मीठा के मीठी चीजों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। मतलब मिठाइयाँ, डेफिनेटली वैरायटी जो है बहुत मिठाइयों की अच्छी है वो जी। वहाँ ज्यादा मिलती है, और गुजराती लोगों का अपना अलग ही मीठे का जो है वो अलग ही चलता है उनका, कि दाल जी में भी जी थोड़ा डालते हैं, तो जी वो है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ जिस चीज के लिए कलकत्ता फेमस है वो तो वो कलकत्ता तो हो है ही, बंगाल हो, वो तो मतलब वो तो। आपकी वो फेवरेट था ही। डिशेस क्या है, आपकी फेवरेट डिशेस क्या है? मुझे मिठाई उतना वो, मतलब मिठाई तरह मिठाई की नहीं, डिशेस कोई उतनी कोई भी अच्छी नहीं कोई भी। लगती, वैसे तो मतलब कुजीन बोले तो मुझे इटालियन कुजीन ज्यादा पसंद है, इटालियन में अमंग क्या? पास्ता हो गया पिज्जा हो गया जो भी है, मतलब आप पिज्जा भी अगर इटली में आप खाएं तो वो डिफरेंट है हमारे से, हाँ काफी वो भी है, तो फिर वो जो सॉस के ऑथेंटिक साथ वाला नहीं है खा वो रहे अच्छा वो लगता लोग, है, सॉस के साथ नहीं नहीं वो खा रहे केचप के वो साथ नहीं खा रहे हम, तो फिर ये मेरे फेवरेट कुजीन हम बोलेंगे तो इटालियन है, पर इन सब कुछ मुझे ऐसे कुछ था, आई लाइक एवरीथिंग बट देन इन मॉडरेशन। जी, हाँ बहुत सही। तो अच्छा, फिल्में देखते हो आप, हाँ काफी सारे, मुझे तो कौन सी फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं आपको? साइंस फिक्शन अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बोला आपको कि आपको एक लिस्ट बना के देखनी चाहिए,
साइंस फिक्शन में जो साइंस जॉनर है वो है। फिक्शन। हाँ काफी सही काफी सही। तो चलिए फिर इस बारे में तो चर्चा काफी हो सकती है कि साइंस फिक्शन में क्या-क्या पसंद है आपको मतलब। वो जो आपके जो सीरीज मूवीज है, मतलब स्टार ट्रेक का मूवीज हो गया कि स्टार वॉर्स हो गए, या फिर आपके जो थैनोस है, मतलब वो उनका भी जो सीरीज हो गया, तो फिर मार्वल्स की जितनी भी मूवीज है। वो उसमें क्या है कि ना, आप अगर उसको देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्शन होगा एवरीडे लाइफ से, मतलब थोड़ा आपको वो अलग तरह की एंटरटेनमेंट है कि आप थोड़ा अपने आप को रिमूव कर सकते हो आपके नॉर्मल जो भी आपके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं उससे। तो फिर वैसे तो वो भी अच्छे मूवीज हैं जो कि आपके इश्यूज को हाईलाइट करें, वो भी हम सभी जॉनर के मूवीज हम लोग देखते हैं जितना भी टाइम हो पाए मतलब। हाँ तो आप आपका बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट है मतलब बॉलीवुड की मूवीज में कोई आपका ये हाँ फेवरेट हो नहीं, फेवरेट वैसे नहीं, मतलब मतलब काफी सारे कौन देख चुके हैं। जैसे मतलब कौन आपके फेवरेट एक्टर कौन है। वो तो आपके एज ग्रुप में जब मैं थी तब ऐसे हुआ करते थे, अभी जो है कौन कि कौन अभी वैसा कोई है नहीं। वो आपके एज ग्रुप में जब मैं थी तो शाहरुख खान हुआ करते थे, पर अभी बढ़िया क्या है काफी कि अच्छी अभी चॉइस। भी उनको मतलब उनकी मूवीज अच्छी लगती है, पर वो ज्यादा करते नहीं है, और फिर उतना वो चेंज हो जाता है ना आपका, मतलब वो फैन फॉलोइंग टाइप का वो आपके एज ग्रुप में ही वो पॉसिबल है, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि रियलिटी अलग है। तो फिर मेरा जो वो था कि वो मैं साइंस में इतना वो करेंगे कि वो लोग मिलने आएंगे हमसे, वही वो इंटेंशन था। तो फिर उसी के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं कि वो शाहरुख खान से मीटिंग होगी, मतलब वो आएंगे मीट करने, इस तरह का है अभी वो। शाहरुख खान का पता जी नहीं, मैं जरूर आऊंगा। हाँ नहीं मेरा डेफिनेटली मैं जरूर आऊंगा क्योंकि शाहरुख खान को क्या पता कि कहाँ कौन क्या रिसर्च कर रहा है। ये सारा काम तो मैं कर रहा हूँ ना, तो हाँ, आपको बहुत मेरा तो हक बहुत बनता अच्छा आपका है। पल्स तो है, एब्सोल्युटली नहीं, बहुत जरूर अच्छा होगा अगर आप आ पाए तो। आप यू जरूर शुड राइट टू मी सेपरेटली, वी कैन डिस्कस। बिल्कुल। और जी ये सारी बातें जो है ना वो हम लोग बैठ के आराम से करेंगे। अभी जो है जी वो समय मैंने ज्यादा ले लिया है मैम का, और सवाल अभी मेरे पास बहुत हैं, खत्म नहीं होंगे मेरे सवाल। तो अपने सवालों को यहीं ब्रेक लगाऊंगा, नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़े बचा के रखता हूँ, और आज के लिए जो है वो हम यहीं पर जो है वो समापन करेंगे। बट आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो आप @रोजेंडर पर हम लोगों को इंस्टाग्राम वगैरह पे भेज सकते हैं, या फिर जीमेल पे, जीमेल आईडी हमारी नीचे दी गई हुई है, rosendersainz@gmail.com, वहां पर आप लोग हम लोगों को सवाल भेज सकते हैं अगर डिटेल्ड सवाल है तो, वरना अगर छोटे मोटे सवाल हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं अपने साइंस एंथुजियास्ट दोस्तों के साथ। और अगर पॉडकास्ट अगर आप लोग ये स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं तो जरूर इसको शेयर कीजिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि साइंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना समय देने के लिए। मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया, जितना मैंने मांगा था उससे ज्यादा समय नो लिया। प्रॉब्लम। नहीं और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया हमें दोनों को ही, एक व्यक्ति को करना चाहिए, डॉक्टर डॉक्टर पति को, डॉक्टर जी अरुण के पति को, वो क्योंकि मेरे उन्होंने, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, जी तो जी फिर क्योंकि जी उन्होंने सबसे पहला नाम जो लिया वो आपका लिया, और उन्होंने कहा कि इनको मेल लिखो तुम। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर जी मैंने आपके बारे में पढ़ा, फिर मैंने आपके बारे में देखा कि हाँ न्यूज ही न्यूज, न्यूज आर्टिकल्स ही न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक जो है, भी है तो वो देख, वो तो कोशिश कर जरूर रहे हैं हम शिवा, पर आप जैसे लोग जो हैं उनको आना है, ज्वाइन करना है, कंट्रीब्यूट करना है, तभी बिल्कुल। रिसर्च आगे मेरे बढ़ पाएगी। को अभी तो मैं सिर्फ पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, बट मेरा जी मेन एम है कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पाऊँ। जी ग्राउंड रिपोर्टिंग से ज्यादातर लोगों को पता लगेगा, क्योंकि जब मैं एक्चुअल में अप्रेटिस के पास जाकर लोगों को बताऊंगा जी तब ज्यादा लोगों को समझ आपका आएगा। कनेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे जो लगता है आप बहुत जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब मुझे जो लगा लास्ट 2 आवर्स में। तो फिर आप डेफिनेटली इसको इनकरेज कीजिए, क्योंकि ये जो फियर है ये अभी भी वीक है। आपने जैसे कहा ये जो साइंस कम्युनिकेशन हो रहा है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।